वीरम विशाल नयनम रक्तोपल कोमल समापायम तिविहेण परिन्यूनम शील गुणान निसामेह प्रभो हरिहंताणम प्रभो सिद्धाण प्रभो आयरियाणम प्रभो वज्रायाणम प्रभो लोये सविसाहुणम। जय बोलनंतार सिद्ध प्रवेश भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विरास कर जीवा मणिराज की महानुभाव आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी का जैसे अष्ट पावन ग्रंथ के अंतर्गत सील पावन ग्रंथ की यहाँ पर वाचना चल रही है जिसमें 18 गाथा हो चुकी है। 19वीं नंबर की गाथा प्रारंभ हो रही है। अब सील का परिवार कैसा है इसे आचार्यवर 19वीं नंबर गाथा में बताते हैं। जीव दयादम सत्यम अचोरी अंबम चीर संतोषे सम्मदन सरणाने तवो या सीलस परिवारो। सम्यक दर्शन ज्ञाने तपस जीव दयादमा सत्यम अचोरियम ब्रह्मचर्य संतोषो सीलस परिवारा। यह गाथा पदों का अन्वय यहाँ पर बताया गया और इसका गाथार्थ बताते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव दया इंद्रिय दमन सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य संतोष सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान व सम्यक तप ये सब सील के परिहार हैं। परिवार सील के परिवार कहे जाते हैं इनको। किसको पुनः देखिए जीव दया इंद्रिय दमन सत्य अचौर्य अहिंसा ब्रह्मचर्य संतोष सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक तप ये सब के सब सील के परिवार हैं। सील के परिवार में 9 सदस्य यहाँ पर परिगणित किए गए हैं। उनके नामों का क्रमशः निर्देश किया जा रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञाने तपश्च मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और तप इन्हें परिवार सदस्यों के रूप में निरूपित किया गया है। इन तत्वों में रुचि होना सम्यक दर्शन या सम्यक्त्व है। तदनंतर तत्वों का सम्यक अधिगम होना ये सम्यक ज्ञान है। मोक्ष प्रावत ग्रंथ गाथा 38 में कहा गया है तत्व रुचि सम्यक्त्व है और तत्वों का ग्रहण सच ज्ञान है। रत्नत्रय के आविर्भाव हेतु किया जाने वाला सम्यक इच्छा निरोध अथवा सम्यक प्रतपन किया तप है अथवा समस्त बार धर्म रूपी विषयों में इच्छा की निवृत्ति रूप तप का लक्षण है जैसा कि अनकार धर्मामृत 7वें अध्याय में ग्रंथ में कहा गया है। तप का अर्थ है समीचीन तया मन इंद्रिय व शरीर का निरोध करना। सम्यक तप की व्याख्या कर रहे हैं अनकार धर्मामृत में। यहाँ पर बताया मन इंद्रिय और शरीर इनका निरोध करना अतएव रत्नत्रय का आविर्भाव करने के लिए इष्टानिष्ट इंद्रिय विषयों की आकांक्षा के निरोध का नाम तप है। ना इष्ट ना अनिष्ट इष्ट अनिष्ट इंद्रिय विषयों की आकांक्षा इनका निरोध करना इसी का नाम तप है। सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान ये जीव के अप्रत्यभूत स्वभाव होते हैं। इन्हीं दोनों का रागादि रहित निश्चल निर्मल सद्भाव ही सम्यक चारित्र होता है। 85 का ग्रंथ गाथा 154 में बताया गया कहा गया है कि ज्ञान व अखंडित दर्शन ये दोनों जीवन के अप्रत्यभूत स्वभाव हैं। इन दोनों का जो निश्चल व निर्मल अस्तित्व है वही चारित्र कहा गया है। ये जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा जानना देखना दर्शनों ज्ञान अथवा समय सार ग्रंथ गाथा 155 में भी कहा गया है कि रागादि के परिहार को चारित्र कहा जाता है। रागादि परिहरणम चरणम ऐसा समय सार ग्रंथ में कहा है। यहाँ तप भी सम्यक तप ही ग्राह है
क्योंकि सम्यक्त सहित तप की ही सार्थकता है। ऐसा नहीं कि ठंडे ठंडे पानी में पूरे शरीर को अंदर डुबो के रखना बोले तप हो रहा है, या चारों तरफ से अग्नि को जला लेना और बीच में बैठ जाना राग समझे सम्यक तप हो रहा है। नहीं, आप समझे पत्थर की चट्टान को हाथ में लेकर खड़े हो जाना, या अंगारों में चलना, या पहाड़ से कूद जाना, या बालू के ढेर लगा लेना, इनको करके धर्म मानना यथार्थ तप मानना यह आपका मिथ्यात्व है। यहां समझना, ऐसा मोक्ष प्राप्त ग्रंथ गाथा उनसंद प्रतिपादित किया गया है। तप का चारित्र में अंतर्भाव होता है, जो तप सम्यक है वही सम्यक चारित्र के अंतर्गत आता है। ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ श्लोक 197 में कहा गया है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक तप, ये तीन मोक्ष मार्ग के साधक होते हैं। जैसे कि मोक्ष प्राप्त ग्रंथ गाथा 59 में कहा गया है, इसलिए सम्यक ज्ञान व सम्यक तप से युक्त होकर के जीव निर्वाण प्राप्त करता है। ज्ञान व तप का परस्पर संबंध बताया जा रहा है। तप से रहित ज्ञान और ज्ञान से रहित तप कैसा है? निष्फल। ज्ञान से रहित तप और तप से रहित ज्ञान निष्फल जानो, ऐसा मोक्ष प्राप्त ग्रंथ गाथा 59 में कहा गया है। तब रहियम जमनाणम इणाण विजुत्तो तमोगी अकयत्तो। तप रहे जो ज्ञान है और ज्ञान रहे जो तप है, वे दोनों अकृतार्थ मतलब निरर्थक हैं। इस प्रकार यह प्रतिपादित किया गया कि मोक्ष मार्ग के साधन सील के परिवार में ही परिगणित हैं। इन तीनों के साथ सम्यक चारित्र को जोड़कर भगवती आराधना ग्रंथ गाथा 2 में चतुर्विध आराधना का निरूपण किया गया है। जैसे कि तत्पाठ को जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है एक गाथा जो भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा है, उज्जो वर्ण मुज वर्ण निब्रहणम सहरणम चरण चरणम धन शरणां चरितम तवाण मारायणा भणिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र व तप के उद्योतन मतलब शंकर आदि दोषों का निराकरण। उद्वन, उद्वन मतलब बार बार आत्मा के दर्शन आदि रूप परिणति। और तीसरा बताया निर्वहन मतलब निराकुलता पूर्वक धारण। साधन, तिरोहित सम्यक दर्शन आदि को पुनः उत्पन्न करना व निस्तरण, सम्यक आदि को दूसरे भाव में भी ले जाना, इनको आराधना कहा गया है। ऐसा भगवती आराधना ग्रंथ में बताया। तो जीव दया मतलब जीवों के प्रति दया, यह सील परिवार की अंग है। अहिंसा धर्म का ही विशेष व्यवहारिक रूप दया है। वस्तुतः दया, करुणा, अनुकंपा, अहिंसा, धर्म इत्यादि परस्पर अनुस्यूत हैं और सभी के फलितार्थ तात्पर्य समान है। या निम्न के कुछ शास्त्रीय उद्धरणों को प्रासंगिक जानकर प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्तिक अनुपीक्षा ग्रंथ में कहा है जीवाणम रक्षणम धम्मो। धर्म की परिभाषा क्या है? तो यहां बताया जीवाणम रक्षणम धम्मो मतलब जीवों की रक्षा क्या है? धर्म है। और बोध प्राप्त ग्रंथ में बताया है धम्मो दया विशुद्धो मतलब धर्म बने जो दया से विशुद्ध है। राजवार्तिक ग्रंथ में कहा है अहिंसा आदि लक्षणों धर्मा, धर्म वह जिसमें अहिंसा आदि लक्षण हो। भगवती आराधना ग्रंथ में कहा है दया सर्व प्राणी विषया मतलब दया सर्व प्राणियों पर दया करना है। भगवती आराधना गाथा 793 की गाथा बताया गया कि जीवों पर की गई दया स्वयं अपने आत्मा पर ही की गई दया है। समझना, जीव दया हुई अपनों को दया।
लोग कहते हैं हमने चींटी को बचा लिया, समझना जैन धर्म कितना सूक्ष्म है। हम कहते हैं चींटी को बचा लिया, अरे चींटी को बचाया कि आपने अपने आप को बचाया? चींटी को क्या बचाया? चींटी के तो अभी आयु कर्म शेष था ना, उसका आयु कर्म शेष था, उसे कोई मार ही नहीं सकता था, उसे कोई नहीं मार सकता था। आप कह रहे हमने चींटी को बचा लिया, नहीं हमने चींटी को नहीं बचाया, हमने अपने आप को बचाया। अगर हम चींटी को मारते तो उसका जो कर्म का बंध होता वो हमें होता, तो हमने कर्मों के बंध से अपने आप को बचाया है, ये बताया। तो जीवों पर की गई दया अपनी आत्मा पर की गई दया है, इसलिए और भी कुरल काव्य में बताया, यथाक्रमं समीक्षे वे दयां चित्ते निपालयते सर्वे धर्मा या भासन्ते दया मोक्षस्य साधनम्। मतलब पूर्वा पर कथनों की समीक्षा करके ठीक पद्धति से सोच विचार कर चित्त से दया का पालन करें। सभी धर्म ऐसा कहते हैं कि दया मोक्ष का साधन है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो निर्दयपना सिखाता हो। सभी कहते हैं कि दया मोक्ष का साधन है। जिनेंद्र भगवान के उपदेश से दयालुता रूप अमृत से परिपूर्ण जिन श्रावकों के हृदय में प्राणी दया आविर्भूत नहीं होती है, उनके धर्म कहां से हो सकता है? प्राणी दया धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है, व्रतों में मुख्य है, समितियों का स्थान है, गुणों का भंडार है। इसलिए विवेकी जनों को चाहिए कि वो उसे धारण करें, किसे? दया को। ऐसा पद्मनंदी पंचविंशती का छठवें अध्याय में बताया गया है। सर्वार्थ सिद्धि में कहा, यह जिनोपदिष्ट अहिंसा लक्षण धर्म है, जिसका आधार सत्य है, विनय मूल है, क्षमा बल है, जो ब्रह्मचर्य से रक्षित है, उपशम जिसकी प्रधानता है, नियति नियमन संयम जिसका लक्षण है, और निष्परिग्रहता जिसका अवलंबन है, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ ने बताया। कर्मा का कारणभूत कर्म करना कर्म है, ऐसा क्यों नहीं कहा? तो उत्तर बताया, नहीं, क्योंकि करुणा जीव का स्वभाव है, अतएव उसे कर्म जनित मानने में विरोध आता है। फिर प्रश्न उठता है, तो फिर अकरुणा का कारण कर्म को कहना चाहिए? तो उत्तर बताते हैं, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसे संयम घाती कर्मों के फल रूप से स्वीकार किया गया है, ऐसा धवला पुस्तक 13 में उल्लिखित है। जैसे अणु से छोटा कोई द्रव नहीं है, अणु से छोटा जैन धर्म का अणु, वैज्ञानिक अणु नहीं, वैज्ञानिक अणु के तो कई टुकड़े किए जा सकते हैं, जैन धर्म का जो अणु है जिसको परमाणु कहते हैं, जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सकता है, दूसरा कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जैसे अणु से छोटा कोई द्रव नहीं है और आकाश से बड़ा कोई द्रव नहीं है, वैसे अहिंसा से महान कोई अन्य व्रत नहीं है, ऐसा भगवती आराधना ग्रंथ ने कहा है। सभी आश्रमों का हृदय, सब शास्त्रों का गर्भ और सब व्रतों व गुणों का पिंडीभूत सार यदि कोई है तो वो अहिंसा ही है, ऐसा भगवती आराधना ग्रंथ में बताया है। एक जीव दया के द्वारा ही चिंतामणि की तरह अन्य सकल धार्मिक क्रियाओं की तरह फल को प्राप्ति की जाती है, अपने आप फल को प्राप्त हो जाता है। आयुष्मान होना, सुभग बना, सौभाग्य, धनी होना, सुंदर रूप, कीर्ति आदि से सब कुछ मनुष्य को एक अहिंसा व्रत के महात्म्य से प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भाव प्रावत ग्रंथ गाथा 134 की टीका में उद्धृत है। यहाँ बताया, आयुष्मान सुभगा श्रीमान स्वरूप कीर्ति माननार अहिंसा व्रत महात्म याद एकस्य महादेव जायते। यमपाल चांडाल भी एक केवल चतुर्दशी के दिन किसी को फांसी ना देने के एक अहिंसा व्रत के गुण के कारण मगरमच्छों से भरे तालाब में फेंके जाने पर
प्रातिहार को प्राप्त हुआ, देवों ने उसकी पूजा की, उसको अधर में ले लिया, ऐसा भगवती आराधना ग्रंथ गाथा 816 में वर्णन दिया गया है। इस प्रकार व्यवहार में पर आश्रित अहिंसा, व्यवहार अहिंसा रूपी साधन से निश्चयान्यास्त्र अहिंसा, मतलब निश्चय अहिंसा साध्य होती है। इसलिए प्रमाद युक्त मन वचन व शरीर से होने वाली हिंसा का त्याग करना चाहिए। अप्रमत्त आत्मा ही अहिंसक आत्मा कही जाती है, जैसा कि कहा गया है निश्चय में से आत्मा को ही अहिंसा और आत्मा को ही हिंसा कहा गया है। जो अप्रमादी है वह अहिंसक है और जो प्रमाद युक्त है वह हिंसक है, ऐसा भगवती आराधना ग्रंथ गाथा 800 में विजयोदय टीका में उद्धृत किया गया है, बताया गया है। अथवा रागादि भाव ही हिंसा है और रागादि अभाव ही अहिंसा है, यह शास्त्र में बताया गया है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बताया कि जिनेंद्र देवों ने यह उपदेश दिया है कि रागादि का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है और रागादि का उत्पन्न होना हिंसा है और रागादि का अभाव जो है वह निश्चय में से अहिंसा कही जाती है। वह कैसे? इसलिए कि वह निश्चय शुद्ध चैतन्य प्राण की रक्षा का साधन होता है। निश्चय हिंसा भी रागादि की उत्पत्ति होना है, ऐसा परमात्म प्रकाश में कहा है। शुद्ध द्रव्यार्थिक में से तो दया करुणा आदि मोह के भी लिंग अर्थात चिन्ह है। शुद्धात्म उपलब्धि लक्षण वाले परमोपेक्षा संयम से करुणा भाव विपरीत है। प्रवचन सार ग्रंथ में कहा भी गया है पदार्थों का अयथार्थ मतलब विपरीत ज्ञान त्रयंश व मनुष्यों पर करुणा भाव तथा इंद्रिय विषयों में आसक्ति का होना, ये सब क्या है? मोह के चिन्ह है, ये मोह कराने वाले हैं। किंतु व्यवहार में से त्रयंश व मनुष्यों के प्रति करुणा का ना होना दर्शन मोह का चिन्ह होता है, ऐसा प्रवचन सार का एक पहले अध्याय में 85 नंबर गाथा में बताया तात्पर्य टीका में स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार व्यवहार व निश्चय इन दोनों नयों से जीव दया के स्वरूप को समझकर उसका आचरण भूमिका अनुरूप करना चाहिए। और इसके आगे जो गाथा के शब्द हैं जो परिवार के सदस्य हैं सील के, उनके बारे में आगे कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय गुरु पारसनाथ भगवान की।